तो एशिया की जंग में भारत ने पाकिस्तान को कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबले में धोखा रख दिया, और जो सारे फैंस उम्मीद कर रहे थे टीम इंडिया के फैंस की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो हार मिली थी उसका हिसाब बराबर होना चाहिए, वैसा ही कुछ होता हुआ यहाँ पे नजर आया। और अब टीम इंडिया को रोकना आसान भी नहीं होगा। हमारे साथ इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, उनसे पूछते हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जो हार मिली थी आपको लग रहा है उसका हिसाब बराबर कर दिया? अभी पूरा हिसाब तो बराबर नहीं हुआ है, तीन सूत है तो तीन में से एक सूत तो वापस ले लिया है, अभी दो सूत है और वसूल करने बाकी है। लेकिन टिकने नहीं दिया पाकिस्तान को कहीं भी, ऐसा लग रहा था कि चले कुछ कॉन्टेस्ट तो होगी लेकिन कुछ हुई नहीं। हाँ जरूर, आई मीन इट वॉज वन साइडेड मैच सो इट वॉज रियली गुड। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने पहले ही हथियार डाल दिए थे भारत को। भाई डे वन से, बॉल वन से ही उनके हथियार पड़े हुए थे, उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो था। हमारे शायद ऐसा हुआ कि कल हम लोगों ने थोड़ा गेम को डाउन किया था तो उनको लगा कि आज भी ये डाउन खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सरप्राइज पैकेज मिल गया इनको और पहले से ही इंडिया एकदम पावरफुल मोड में था। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, आज रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, एंटरटेनमेंट आपको पूरा मिल गया डोज? देखिए मैंने तो कल ही कहा था कि सारी नजरें रोहित शर्मा पे ही होंगी और आज हुआ भी एग्जैक्टली वही। रोहित शर्मा ने ही गेम बनाया, धवन ने उसको कंटिन्यू किया और फिर डीके और अंबाती रायडू ने उसे खत्म किया। तो जो गेम बनाने वाला था हमेशा इस एशिया कप के लिए रोहित शर्मा ही रहेगा, और जो गेम ख़त्म करने वालों में डीके रायडू और धोनी ही रहेंगे। ये थ्रू आउट एशिया कप में चला तो हम लोग पक्का फाइनल उठाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि गेंदबाजों की अगर बात की जाए, गेंदबाज शायद असली हीरो कहे जाएंगे इस मैच के, क्योंकि ज़्यादा स्कोर ही नहीं बनाने दिया पाकिस्तान। बिल्कुल, जैसे बुमराह से जैसे उम्मीद थी बिल्कुल बुमराह ने वैसे ही परफॉर्म किया, साथ में कुलदीप की परफॉर्मेंस बिल्कुल लाजवाब थी। केदार जाधव ने भी कोई कसर तो छुपा रुस्तम निकले पूरा, उनसे लोग उम्मीद करते हैं कि वो सस्ता ओवर आके डाल जाएंगे, उन्होंने तीन विकेट चटका दिया। जी हाँ, तो देखिए फैंस बिल्कुल अच्छे अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं इस मैच का। अगर आपसे पूछूं ऐसा लग रहा है कि एक मेंटल है जब भारत के पास आ गई जो शायद पाकिस्तान के पास गई थी लेकिन अब भारत के पास है? बिल्कुल, एक्चुअली ये लग रहा था कि ये होम कंट्री है ना पाकिस्तान के लिए तो वो ज़्यादा हावी रहेंगे, पर आज जिस हिसाब से मुकाबला हुआ है वन साइडेड, मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट देगी और पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, तो देख सकते हैं हांगकांग को हराया बैक टू बैक, अगले दिन पाकिस्तान को भी हरा दिया, टीम इंडिया बिल्कुल आगे बढ़ रही है, राइट ट्रैक पर है, और अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि भारतीय टीम जो है वो एशिया की चैंपियन भी बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रविश बेस्ट, न्यूज़ नेशन, दुबई।